थर्ड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम का आज हम 31st क्वेश्चन करेंगे. डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर. इम्पोर्टेंस क्या होती है लिटरेचर की? लिटरेचर इज इम्पोर्टेंट फॉर मैनी रीजन इंक्लूडिंग इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड प्लेजर टू रीडर्स, टू हेल्प विद एक्सपीरियंस, टू हेल्प रीडर एम्पैथाइज़ विद अदर्स एंड टू डेवलप थिंकिंग स्किल्स. लिटरेचर इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बहुत सारे कारण है. जैसे कि इसमें क्या होता है, जो भी हम किसी भी बच्चे को, रीडर्स को या लर्नर्स को कोई कार्य देते हैं, उसमें क्या होता है, हम उसे सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो बच्चा है अपनी रीडिंग में, अपने कार्य में अच्छे से सक्षम हो सके, सफल हो सके. और जो भी बच्चे का जैसे कोई पढ़ने में एक्सपर्ट हो या फिर थोड़ा नालायक हो, तो उसके लिए क्या होता है, हम उस बच्चे की हेल्प करते हैं जिससे कि जो उसका एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा हो और वो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीखे. प्लस में क्या होता है, जो भी बच्चा होता है उसे हम क्या एम्पैथाइज़ करते हैं कि वो अच्छे तरीके से रीडिंग कर सके, अच्छे से लर्नर बन सके वो, और उसकी जो थिंकिंग स्किल्स है उसे भी डेवलप कर सके. नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाइल लिटरेचर्स एजुकेशनल इम्पोर्टेंस इज ऑफ्टन डाउन प्लेड इन फेवर ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल एजुकेशन. इसमें क्या होता है, लिटरेचर हमारा इस तरीके का एक एजुकेशन होता है जिसमें क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी बिजनेसमैन होता है या फिर कोई भी टेक्निकल एजुकेशन होता है वो इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से खेलते हैं जिसमें कि उन्हें लगता है कि हम आगे जाकर निपुण हो पाएंगे और इसमें क्या होता है, अच्छे तरीके से पास होके आगे बढ़ेंगे. इसी तरीके से जब लिटरेचर में बच्चे एजुकेशन प्राप्त करते हैं, वो इस तरीके से प्राप्त करते हैं कि जिससे उनका क्या होता है, आगे जाके वो अच्छे एक नागरिक बने और वो भी सोशल समाज के साथ अपने आप को ढाल सकें. द स्टडी ऑफ बुक्स ऑफर मैनी पॉजिटिव बेनिफिट टू रीडर्स. इसमें क्या होता है, लिटरेचर में जो तरह तरह की जो बुक्स वगैरह होती हैं उससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनमें पॉजिटिव बेनिफिट्स आता है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है जिसे वो सकारात्मक विचार लेके आते हैं और उसी में वो आगे बढ़ते हैं, ना कि उनमें कोई नकारात्मक नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, रीडिंग लिटरेचर इज अ प्लेजरेबल एंटरटेनिंग एक्टिविटीज दैट ऑफर्स रीडर्स द पोटेंशियल टू एस्केप फ्रॉम द ट्रबल्स ऑफ डेली लाइफ. इसमें क्या होता है, जब हम लिटरेचर किसी भी बुक्स वगैरह को पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उस चीज को हम क्या होता है एंटरटेनमेंट करते हैं एक्टिविटीज के थ्रू, उस चीज को लर्न करने का अभ्यास करते हैं जिससे कि वो चीजें हमारे काफी टाइम तक दिमाग में रहती है. प्लस में क्या होता है, उस चीज को हम अपने डेली लाइफ रूटीन में भी ढालने की कोशिश करते हैं जिससे कि जैसे जैसे हम उस चीज को अपना डेली लाइफ में ढालेंगे तो उस चीज को हमें याद ना करने की वजह हम उसे अच्छी तरीके से समझ के अपने दिमाग में काफी टाइम तक रख सकेंगे. लिटरेचर सरप्राइज बिकॉज ऑफ इट्स कैपेसिटी टू एंटरटेन रीडर्स. लिटरेचर्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो हमारे लिटरेचर्स होते हैं उसकी सर्विसेज इस तरीके से होती है कि जो रीडर्स होते हैं, जो उसे पढ़ रहा होता है, उसको एंटरटेनमेंट हो, उसे अच्छा महसूस हो, ना कि उसे बोरिंगनेस फील हो, जिससे क्या होता है पढ़ने के बाद उसका दोबारा उस बुक को पढ़ने का मन ना हो. इस तरीके से जो बुक्स होती है नहीं बनाई जाती, इसलिए हम बुक्स में तरह तरह की पिक्चर्स एक्टिविटीज बना के देते हैं जिससे जो बच्चा पढ़ने वाला होता है, लर्नर रीडर होता है, वो भी इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्ट लेता है. प्लस में उसे पढ़ने का भी अच्छा एक अलग अंदाज होता है और उस चीज को वो बार बार करने की कोशिश भी करता है. लिटरेचर ऑल्सो हैज द पावर टू प्रोवोक थॉट इन रीडर्स, मेकिंग इन एक्टिविटी डेट इज ऑल्सो इंटेक्चुअली प्रोडक्टिव. इसमें क्या होता है, जब हम किताबों को पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं जिससे कि जो सामने वाला रीडर होता है उसके मन में अच्छी अच्छी भावनाएं आती है, उस चीज को वो पढ़ता है, प्लस में उसके साथ वो एक्टिविटी भी करता है जिससे कि वो चीज उसके दिमाग में ज्यादा देर तक रहती है. और इससे क्या होता है, जो बच्चे की जो इंटेक्चुअली प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है और जो लर्निंग शक्ति होती है, लर्निंग पावर होती है, वो भी इंक्रीज होती है. लिटरेचर ऑल्सो हैज द पावर टू इम्पार्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस टू रीडर्स. इसमें क्या होता है, जो लिटरेचर होता है जिसे बच्चे जो पढ़ते हैं उससे क्या होता है, उनका जो जब तरह तरह की वो बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उन्हें भी अलग अलग बुक्स से क्या होगा, अलग अलग तरीके से नॉलेज प्राप्त होगी. प्लस में उन्हें क्या होता है, एक्सपीरियंस भी प्राप्त होगा जिससे क्या होता है, वो जब डेली लाइफ में कुछ कार्य करेंगे तो उन्हें उस चीज को याद रखेंगे और प्लस में करते वक्त वो हर एक चीज पर ध्यान देंगे, ना कि वो गलत और सही का कोई हिसाब ही नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा. अ स्टोरी कैन एक्सपोज रीडर टू डिफरेंट प्लेस टाइम पीरियड्स व्यू पॉइंट्स एंड कल्चर्स. जब हम कोई भी बच्चा जो रीडर्स होता है, जो लर्नर्स होता है, वो बुक्स को पढ़ता है
तरह तरह की स्टोरीज को पढ़ता है, तो उसमें ये नहीं होता कि एक ही जगह एक ही टाइम या फिर एक ही कल्चर के बारे में पता होता है। जब हम स्टोरीज पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट प्लेसेस के बारे में बात होती है, डिफरेंट टाइम पीरियड्स होता है, उसमें जो कहने का तरीका होता है वो भी, व्यू पॉइंट भी सबका अलग अलग होता है। प्लस में जितने भी कल्चर्स होते हैं उसमें जो कल्चर्स भी होते हैं, एक कल्चर नहीं होता, तरह तरह के कल्चर्स के बारे में भी बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रीडर कैन गेन एक्सपीरियंस थ्रू लिटरेचर दे वुड नेवर हैव एक्सेस टू इन ऑर्डिनरी लाइफ। इसमें क्या होता है, लिटरेचर के थ्रू क्या होता है, जब हम तरह तरह की चीजें पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, जब अलग अलग स्टोरीज कहानी पढ़ते हैं तो इससे हमारी लाइफ में भी एक रूल आता है, उस चीज को हम उसमें से अच्छी आदतें अच्छी चीजों को फॉलो करते हैं, जिससे जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है वो भी चीजें चेंज होता है और जो हमारी थिंकिंग स्किल्स होती है वो भी चेंज होती है। नेक्स्ट है लिटरेचर एबिलिटी टू कैप्चर द इमेजिनेशन एंड डिपेक्ट द लाइफ ऑफ अदर्स आल्सो इंक्रीज रीडर एबिलिटी टू एम्पैथाइज विद अदर्स। इसमें क्या होता है, जब हम बुक्स स्टोरी बुक्स को पढ़ते हैं तो जब हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, पढ़ते पढ़ते हम चीज की इमेजिनेशन करते हैं, कल्पनाएं करते हैं और चीज को हम ऐसे मान के चलते हैं कि वो सारी चीजें रियल होती हैं, और इस चीज को मान के हम उससे इस तरीके से फील करते हैं जैसे कि वो सारी चीजें हमारे साथ ही हमारे सामने ही हो रही हो। नेक्स्ट है लिटरेचर हेल्प्स डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। लिटरेचर की हेल्प से क्या होता है, जो हमारी थिंकिंग स्किल्स होती है उसमें भी बहुत ही बढ़ावा मिलता है, हम अच्छे तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव चीजों को भी सोच पाते हैं, जो हमारी थिंकिंग स्किल्स होती है वो भी इंक्रीज होती है स्टोरी एंड बुक्स पढ़ के, जिससे क्या होता है जो हम चीजों को आसानी से समझ पाते हैं और उसे करने में भी हमें किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टीज नहीं होती। रीडिंग एंड डिस्कशन ऑफ लिटरेचर फोर्स रीडर टू मेक रीजन द जजमेंट्स अबाउट कैरेक्टर मोटिवेशंस कॉजेज एंड इफेक्ट्स क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ प्लॉट एंड मोर। इसमें क्या होता है, जब हम किसी बुक की रीडिंग या स्टोरी की रीडिंग करते हैं उसके बाद पढ़ने के बाद हम उस चीज का डिस्कशन करते हैं और उसमें कुछ भी जो क्वेश्चन होते हैं उसे हम एक दूसरे से पूछते हैं कि इसमें ऐसा क्यों हुआ, या और उसके जो करेक्टर्स होते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं, जो भी उसकी में किसकी भूमिका रही होगी उसके बारे में, फिर उससे जो हम मोटिवेट होते हैं उसके क्या कॉजेज इफेक्ट्स होते हैं स्टोरी और उसके स्टोरी और ऐसे लेटर्स ऐसे के, प्लस में उस चीज को फिर हम एनालिसिस करते हैं, और भी बहुत सी चीजें होती है जब हम कोई भी स्टोरी मूवीज वगैरह देखते हैं तो ये सारी चीजों को हम जज करते हैं, मोटिवेट होते हैं, कॉजेज इफेक्ट के बारे में पता करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और भी ज्यादा चीजों को सीखने का भी प्रयास करते हैं। इट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू करेक्ट ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड डिफाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इसमें क्या होता है, जब हम स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ने के साथ साथ क्या होता है, हम एक दूसरे के बारे में भी समझते हैं कि क्या हमारा मानवता है, किस तरीके से हमारा क्या रिलेशनशिप है, इससे हम जो चीजें होती है उसके अच्छे और बुरे के बारे में भी जान पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सो व्हेन स्टडिंग लिटरेचर स्टडी स्टूडेंट्स कैन लर्न नॉट ओनली लैंग्वेज एस्पेक्ट सच एज वोकैबुलरी आइटम्स बट ऑल्सो दैट लैंग्वेज कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक एंड एनथेसिक पर्पस। इसमें क्या कहा गया है, जब हम लिटरेचर के बारे में जब लर्नर्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ लैंग्वेजेस को ही सीखते हैं, बल्कि हम तरह तरह के वोकैबुलरी वर्ड्स ग्रामर्स तरह तरह के लैंग्वेजेस बात करने का तरीका एक दूसरे का सोचने का तरीका थिंकिंग स्किल्स उससे क्या हम मोटिवेट हो रहे हैं हर एक चीज एस्थेटिक्स पर्पस सारी चीजें क्या होता है हम स्टोरी ऐसे वगैरह पढ़ने से सीखते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है, जिससे क्या होता है हम एक दूसरे के बारे में जान पाते हैं और एक दूसरे से फिर अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फाइनली द स्टडी ऑफ लिटरेचर कैन प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ फ्रेश एंड क्रिएटिव एंगल विद विच टू अप्रोच देयर स्टडीज इन पार्टिकुलर एंड देयर लिव्स इन जर्नल। इसमें क्या होता है फाइनली क्या होता है, जब हम लिटरेचर्स के थ्रू हम जब स्टोरी राइटिंग वगैरह पढ़ लेते हैं तो जो बच्चा होता है वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को फ्रेश फील करता है, प्लस वो उस चीज को वो उस तरीके के एंगल से देखता है जिससे कि वो जो अपने स्टडी है उसे भी कंप्लीट कर सके उसे भी फोकस करे और उसको जो भी पढ़ता है उस चीज को वो इस तरीके से महसूस करता है कि वो सारी चीजें लाइव थी उसके सामने रियलिटी में वो सारी चीजें हो रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर ऑन टीचिंग लाइज इन इट्स एबिलिटी टू फास्टर क्रिटिकल रीडिंग वर्ल्ड वैल्यूएबल स्किल्स एंड एक्सपेरेंट स्टूडेंट्स वाइल्ड व्यूज। स्टूडेंट्स की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है,
इसमें क्या होता है, जो लिटरेचर्स होते हैं उसका ये इम्पोर्टेंस भी है कि जब टीचर टीचिंग करवा रही होती है तो वो अपनी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत जल्दी तरीके से करवा सकती है, क्योंकि वो स्टोरी राइटिंग के थ्रू बच्चों को बहुत ही जल्दी चीजों को समझा पाती है। जो वोकैबुलरी वर्ड्स है उसकी चीजों को भी वो बढ़ाती है, चीजें की वैल्यूएबल भी बढ़ाती है, उसकी स्किल्स को भी एक्सपेंड करती है, बढ़ाती है, और जो जीने का नजरिया, संसार को देखने का नजरिया, वो भी टीचर्स अपने टीचिंग स्किल्स के थ्रू बच्चों को समझाती है। सो लिटरेचर इज सो इम्पोर्टेंट टू एजुकेशन एंड इट शुड रिमेन एट द हार्ट ऑफ द करिकुलम। इसलिए जो लिटरेचर है बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसलिए जो लिटरेचर है उसे हमारे जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसका हार्ट कहा गया है। क्योंकि बिना स्टोरी ऐसे राइटिंग के क्या होता है, जो हमारी बुक्स होंगी बहुत ही ज्यादा बोरिंग होगी, बिना पिक्चर्स, बिना डायग्राम के जो बुक्स होती है बच्चों को उसमें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। इस वजह से जो लिटरेचर है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, और इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस है जो कि आज हमने पढ़े थे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।